हाय जय हिंद एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग। तो मेरा ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो रनिंग की प्रैक्टिस करते हैं और जिसका इंटरव्यू आ रहा है, उन लोगों के लिए है। कभी भी रनिंग के समय या रनिंग के आगे बढ़ रनिंग के बाद कभी भी अपना जो रनिंग के बारे में एक्सक्यूजेस नहीं बनाना है कि मेरा पाँव का दर्द है, मेरा सांसें फूल रहा है, मेरा लंग्स मेरा साथ नहीं दे रहा है, मेरा ये पेंट खींच रहा है, ये सब बहाना, ये रास्ता ठीक नहीं है, बारिश है, ये सब कभी भी हमें एक्सक्यूजेस नहीं बनाना है। जितना आप एक्सक्यूजेस बनाओगे उतना ही आपका परफॉर्मेंस मतलब ख़राब हो जाएगा, कभी भी आप इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाओगे अपना रनिंग को, ठीक है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ एक्सक्यूजेस मत बनाओ, आपको यही सोचना है कि हाँ मुझे टारगेट तक कैसे पहुँचना है, ठीक है। आप दूसरों को हराने के लिए कोशिश मत करो, खुद को आगे लेके जाने के लिए कोशिश करो ताकि कोई आपको हरा ना पाए, कोई भी आपके आगे जा ना पाए। खुद को इम्प्रूवमेंट इतना करो कि कोई भी आपके आगे ना जा सके, ठीक है। तो मैं हमेशा यही सोचता हूँ, कोई मेरे से आगे अगर निकल गया तो निकल जाने दो, लेकिन अपना जो हिम्मत है, अपना जो ताकत है, आप वही खुद को ही पता है। तो ये आपको बहुत समय मिलेगा, आपको क्या करना है, कभी भी रनिंग के बीच में नहीं रुकना है, आपका टारगेट पर फोकस करके आपको अपना जो स्पीड जो धीरे धीरे करके बढ़ा के आपको लेके जाना है। मैं मतलब एक खुद के मन में ही एक ये कैलकुलेशन भी होना चाहिए और एक रोड मैप होना चाहिए कि मुझे कितना दूर जाना है, ये पता चलना चाहिए कि कितना दूर मुझे जाना है और किस जगह में कितना मैं स्पीड बढ़ाऊँगा, ये आपको ध्यान में रखना है। और मैं ये फॉलो करता हूँ कि मैं हमेशा रनिंग के शुरुआत में हमेशा मैं धीरे से जाता हूँ, क्योंकि जैसे कि मैं ये मानता हूँ कि जैसे बाइक हो या गाड़ी, पहले क्या में रहता है, न्यूट्रल में रहता है, न्यूट्रल के बाद एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, ऐसे करके 11 हमें ऑफ करना है, ठीक है। ठीक उसी तरह से मैं रनिंग में भी यही करता हूँ कि पहले मैं धीरे से जाता हूँ, उसके बाद मैं जब भी मेरा बॉडी थोड़ा वार्म हो गया, गर्म हो गया, उसके बाद मैं धीरे धीरे स्पीड बढ़ाता हूँ और आखिर तक तो मैं 100 मीटर स्पीड में मारता हूँ। जब भी मतलब मेरा टारगेट पहुँचने के लिए 100 मीटर रहता है, मैं उस समय मैं 100 मीटर स्पीड में मारता हूँ, फिनिशिंग करता हूँ उसमें। हमेशा यही दम रखना चाहिए। आप जब भी प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस के समय ही आपको ये ध्यान में रखना है कि जब फिनिश होने के लिए 100 मीटर, 100 मीटर या 200 मीटर रहता है, उस समय हमें पूरा 100 मीटर स्पीड के साथ रनिंग करना है, ठीक है।